ॐ सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 89वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और उसका 14वां अधिकरण चल रहा है। हम सूत्र संख्या 46 को देख रहे थे, जिसमें वाक्य के बारे में बताया गया। एक वाक्य उसे कहेंगे जिसमें एक अर्थ होवे, एक प्रयोजन होवे, एक प्रयोजन के लिए जो चीज कही जाती है उसको एक वाक्य कहेंगे। लेकिन साथ में कहा गया यदि उसका विभाग करने पर वो साकांक्ष भी बन रहा हो। यदि साकांक्ष नहीं बन रहा है लेकिन अर्थैकत्व है तो उसको वाक्य नहीं कहेंगे। अर्थैकत्व के साथ साथ विभाग करने पर वो साकांक्ष भी होना चाहिए। अर्थैकत्व हो लेकिन विभाग करने पे साकांक्ष नहीं हो तब इसको वाक्य नहीं कहेंगे, एक वाक्य नहीं कहेंगे, अलग अलग कहेंगे। उलट दीजिए, अर्थैकत्व तो नहीं हो यानी अनेक अर्थ हो लेकिन साकांक्ष हो, साकांक्ष हो तो भी एक वाक्य नहीं कहेंगे। दोनों चीजें होनी चाहिए, अर्थैकत्व भी होना चाहिए और साकांक्षत्व भी होना चाहिए। इस विषय में और आगे ये बताएंगे, आज के पाठ में आएगा और थोड़ी हमारी और अच्छी समझ बनेगी कि वाक्य ये किसको कह रहे हैं, कितने भाग को एक वाक्य कह रहे हैं। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 427 में जो अर्थिक अत्वाद एकम वाक्यम विभाग क्षमचेत विभाग स्यात्, तो इसमें जो अर्थैकत्वात् को हेतु के रूप में जो प्रस्तुत किया है एक वाक्य के, तो अगर हमें पहले एक प्रयोजन है इस वाक्य का, मतलब एक प्रयोजन वाला होने से एक वाक्य है, तो ये पहले हमें पता कैसे लगेगा कि ये एक प्रयोजन वाला है? क्योंकि अगर हमें पहले वाक्य का पता लगे कि ये एक वाक्य है तब तो हम कह सकते हैं कि इसका एक प्रयोजन है, लेकिन यहाँ पर इसको उल्टा करके बताया जा रहा है कि एक अर्थ होने से एक वाक्य है। नहीं, हमें भले ही नहीं पता है कि एक वाक्य है दो वाक्य है, हमारे को तो पंक्ति मिल रही है, अनेक पदों का समूह मिल रहा है। अब उसमें यदि अर्थैकत्व है उस समूह में तो हम उसको एक वाक्य कहेंगे। पहले से ये कोई निर्धारित नहीं कर सकते कि एक वाक्य है दो वाक्य है। आप जो अन्योन्य आश्रय देख रहे हो कि हमने एक वाक्य देखा तो पहले एक वाक्य देखा फिर अर्थैकत्व देखा, ऐसा नहीं है। यदि किसी ने पहले से बता रखा है कि भाई ये एक वाक्य है ये दूसरा वाक्य है, तब तो हमारे को सहायता हो जाती है कि यहाँ अर्थैकत्व होगा ये मान करके एक एक वाक्य कहा गया है, जो इस बात को समझता है जिसने ऐसे ढंग से विभाग किया है। लेकिन यदि हमारे सामने बस पंक्तियाँ आई हुई हैं, पदों का समूह आया हुआ है और अब हमें देखना है कि कहाँ तक का एक वाक्य है, तो उसका निर्धारण अर्थैकत्व से होगा और साकांक्षता भी देखी जाएगी। एक शर्त जोड़ी गई साकांक्षम चेत विभागे स्यात्, एक तरह के बाद में शर्त जोड़ी गई है। पहला तो क्या, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम। भाई इस सूत्र को भी अगर हम देखें तो अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम ये अपने आप में परिपूर्ण वाक्य है, एक वाक्य होगा ना। साकांक्षम चेत विभागे स्यात्, अब ये जुड़ गया, अगर इसको अलग कर देते हैं तो ये टूटेगा। साकांक्षम चेत विभागे स्यात् ये साकांक्ष हो रहा है, सूत्र की दृष्टि से कह रहा हूं, तो इससे जुड़ करके पूरा सूत्र एक वाक्य है। तो अर्थैकत्व ये एक सामान्य लक्षण कह दिया और साकांक्षम चेत विभागे स्यात् से अतिव्याप्तियों को रोकने के लिए कह दिया। या तो यूं कहें कि दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों आवश्यक हैं, अर्थैकत्व भी और साकांक्षता भी, विभाग होने पर साकांक्षता भी। एक एक जहां भी होगी तो उसको वाक्य नहीं कहेंगे, दोनों जिस जगह पर घटेंगे वहां पर एक वाक्य कहेंगे इसको। हाँ जी,
आचार्य जी, लेकिन किसी भी चीज़ का एक प्रयोजन है, जैसे कोई व्यक्ति का भाषण होता है तो उस पूरे भाषण का भी एक प्रयोजन होता है और उसके द्वारा कहे हुए एक एक वाक्य का भी प्रयोजन होता है, तो इसमें कौन सा प्रयोजन लिया जाएगा? क्योंकि अगर पूरे उसके माना वेद की दृष्टि से देखें, पूरे ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं उन सबके द्वारा कुछ बात बताई जा रही है, पूरे एक सूक्त का भी एक प्रयोजन है, एक मंत्र का भी एक प्रयोजन है, तो यहाँ पर कैसे निश्चित करें कि यहाँ पर इतना इतने का एक प्रयोजन है और इससे दूसरे का ये प्रयोजन है? ऐसे उसको क्रिया से देखा जाता है, किसको करके हम एक ही क्रिया कर रहे हैं या अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। क्रिया का मतलब क्रियावाची शब्द नहीं है, ये ध्यान देना, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से हम देखने लगते हैं तो एक क्रियावाची पद यानी तिंगंत आया तो हम उसको कहते हैं ये एक क्रिया हो गई, एक दूसरी क्रिया हो गई। अभी उदाहरणों से पता लगेगा, ये खुलेगा। वहां तो हम एक क्रियापद तिंगंत को देख करके कह देते हैं ये एक वाक्य हो गया, ये दूसरा वाक्य हो गया, जितने तिंगंत उतने वाक्य हैं, ये एक हमारी सामान्य दृष्टि बनी हुई, इसके अपवाद हमारे को देखने को मिलेंगे। भिन्न भिन्न क्रियाएं होते हुए भी प्रयोजन एक ही है, तो ऐसे में वो एक ही वाक्य कहलाते हैं। वो नियम यहां नहीं काम करता कि एक क्रिया मतलब एक वाक्य, ये नियम यहां काम नहीं करेगा, उससे आगे की बात कही जा रही है। दो क्रियाएं दिखते हुए भी एक वाक्य बन सकता है वो, यदि प्रयोजन एक ही हो, एक ही चीज के लिए किया जा रहा हो, वो भी देखेंगे हम और स्पष्ट होगा। और जो पूरा प्रयोजन है आप कह रहे हो प्रवचन का, वक्तव्य का बड़ा, अगर उस तरह भी कोई देखना होता है तो फिर वो वाक्य ही की वाक्यता होती है। एक वाक्य का अपना प्रयोजन है, दूसरे वाक्य का अपना प्रयोजन है, और वो सब होते होते सब मिला करके भी देखते हैं तो फिर वो वाक्य ही की वाक्यता कहलाती है। एक वाक्यता तो बनती है लेकिन अनेक वाक्यों को मिला करके एक वाक्यता होती है, उसमें छोटे छोटे वाक्य जो हैं वो भी एक वाक्य ही कहलाते हैं, फिर अनेक वाक्य मिलकर के भी एक वाक्य, तो वाक्य ही की वाक्यता, वाक्यों की एक वाक्यता, अनेक वाक्य मिलकर के एक वाक्य बन रहे हैं, ऐसा भी होता है, ये बीच बीच में आएगा। हो गया, और कोई? जी, पृष्ठ 423 पर जी 37वें सूत्र में नीचे से प्रथम व्याख्या में जी अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति, इसमें एक तो प्रश्लिष्ट का अर्थ फिर से बता दीजिए। इस पंक्ति का अर्थ प्रश्लिष्ट का अर्थ, प्रश्लिष्ट का, हाँ, प्रश्लिष्ट मतलब जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, तो जहां ये आपस में शब्द जुड़े हुए रहते हैं उसको, जैसे कि गद्य के अंदर हम सामान्य रचना की देख लीजिए, कविताओं की दृष्टि से जब हम गद्य और पद्य देखते हैं तो पद्य में हम एक पंक्ति लिखते हैं, फिर दूसरी लिख देते हैं, फिर तीसरी लिख देते हैं, अलग 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 लिखते चले जाते हैं, विभाग कर देते हैं, उसमें छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं गीत के, पद्य के, या तो पूर्ण विराम लगा देते हैं, और लगातार भी लिखना है तो पूर्ण विराम अल्प विराम बहुत प्रयोग करते हैं हम वहाँ पर, और वो गीत के अनुसार, गायन के अनुसार, छंद के अनुसार वहाँ पर टुकड़े होते हैं, जो तुकबंदी भी होती है, या तो गाने के हिसाब से टुकड़े करते हैं, रचना ही ऐसी होती है वो। और एक हम जो गद्य लिखते हैं उसमें इसके आधार पर रचना नहीं होती है कि यहाँ गायन किया जाएगा और उससे ये होगा और यहाँ कुछ टुकड़े किए जाएं, लगातार लिखते चले जाते हैं, लंबा, बहुत लंबा भी होता है, छोटा भी होता है, लगातार लिखते चले जाते हैं, तो इसलिए वहाँ चूंकि गद्य में टुकड़े ज़्यादा नहीं होते इसलिए वो प्रश्लेष है, बहुत सारे जुड़े हुए रहते हैं, और पद्य के अंदर बीच बीच में टुकड़े होते हैं। अब इसको ऐसे नहीं देखिएगा कि दो तीन शब्द तो वहाँ भी मिलते हैं, पद्य में भी मिलते हैं, वो प्रश्लेष भी है वहाँ भी है, लेकिन उस तरह से नहीं देखना है। यहाँ प्रश्लेष का मतलब अधिक है, श्लिष्ट है, प्रश्लिष्ट है, प्रकर्ष रूप से बहुत सारे मिले हुए हैं एक साथ गद्य में, पद्य में तो थोड़े थोड़े कहीं कहीं मिले रहते हैं लेकिन टुकड़े रहते हैं, ये इनका तात्पर्य। यहाँ लिखा है कि जो गान रूप है और ना पादबद्ध, तो ये गान और पाद ये एक ही बात समझ में आती है? हाँ, देखिए पादबद्ध का मतलब हुआ जहां अर्थवशात पाद व्यवस्था है, यानी रिक के लिए कहा जा रहा है, और गान का मतलब है उस पर जो गायन किया जाता है, विशेष प्रकार के गान शाम के होते हैं वो गान है, तो यजुस में ना तो पादबद्ध व्यवस्था है जैसी छंदों में होती है, विशिष्ट छंदों में होती है ऐसी, और न ही यहाँ पर गान किया जाता है,
जो सामगान होता है वो नहीं, विशेष प्रकार का गान। यूं तो यजुर्वेद के मंत्रों को भी इनको बोलते हुए हम कुछ कुछ लय जैसा बोल देते हैं, उस गान की बात नहीं है। आज हम कोई ध्वनि गान उसमें जोड़ दें वो बात नहीं है, उस समय परंपरा में इनका गान नहीं होता था, ये सामान्य रूप से बोले जाते थे। गान मतलब विशेष प्रकार का गान वो नहीं होता, वो एक तरह का शास्त्रीय संगीत कह लीजिए आज का, आज जो शास्त्रीय संगीत जैसा है वो उसमें होता था सामगान में, तो ये इसमें यजु इसमें नहीं होता है। लेकिन जो हम वेद मंत्र पढ़ते हैं उसमें भी हम उच्चारण तो गाने के रूप में ही कर रहे होते हैं, ये यजुर्वेद के, यजुर्वेद के, ऋग्वेद के भी, यजुर्वेद के भी, नहीं यजुर्वेद का नहीं, हम जो गान करते हैं वो तो यजुर्वेद का, ये वो वाला गान नहीं है, ये सामगान नहीं है, उस तरह का गान नहीं है, ये तो हम सामान्य बोलते हैं, ये हमारी अपनी धुनें बनाई हुई है, हम बोल देते हैं वैसे ही बोल देते हैं, तो इसलिए इस गान को तो गान नहीं मानते, उस दृष्टि से गान नहीं है। और ऋग्वेद का भी जो हम करते हैं गान वो सामान्य ही होता है, वो सामगान नहीं होता है उसमें, उसमें तो स्वरों का बहुत उतार चढ़ाव किया जाता है, बड़ा कठिन होता है, इतना कठिन है कि वो व्याकरण से भी कठिन है, व्याकरण से भी कठिन है, व्याकरण को कठिन माना जाता है ना, तो व्याकरण में उदाहरण आता है कष्टम व्याकरणम, व्याकरण कैसा है, कष्टप्रद है, और कष्टतमानी सामानी, साम जो होते हैं वो कष्टतम है, व्याकरण से भी कठिन है, इतनी जटिलता है उसकी, संगीत की सूक्ष्मता बहुत ज्यादा है, उसका अभ्यास बहुत करना पड़ता है, और उसमें भी भेद हैं इतने तरह के, इस तरह तरह के साम है, तो व्याकरण से भी बढ़ करके है, ऐसा कठिन काम है ये। तो ये जो हम बोल देते हैं ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, ये वो वाला गान नहीं है, ये जिस गान की बात कर रहे हैं वो गान हम इसमें नहीं बोला जाता है, परंपरागत ढंग से अभियुक्त जिस बात को करते हैं उस दृष्टि से हमारे को देखना है, आज हम कर रहे हैं उसके आधार पर नहीं निर्णय होते हैं ये, ठीक है। धन्यवाद। तो आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 430। तो पीछे जो हमने वाक्य का देखा, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकंक्षम चेत विभागे स्यात्, इसमें कुछ हमने प्रारंभिक समझ लिया कि वाक्य ऐसा ऐसा होता है, अब इस पर पूर्व पक्षी प्रश्न करेगा, चर्चाएं चलेंगी, उससे हमारे को और स्पष्टता आएगी। तो पूर्व पक्षी की तरफ से वचन है ननु अत्र, यहां पर कहां पर, पीछे देवस्यत्वा सवितु प्रसवे इस मंत्र को सिद्धांति ने रखा था, उदाहरण पूछा था पूर्व पक्षी ने, किम उदाहरणम, तो कहा था देवस्यत्वा सवितु प्रसवे, उसी उदाहरण को पूर्व पक्षी उठा के अपनी बात रख रहा है, कह रहा है देवस्यत्वा सवितु प्रसवे निर्वपामी इत्येकम वाक्यम। अब मंत्र तो बड़ा था और उसमें क्रिया एक ही थी निर्वपामी, सबसे अंत में दुष्टम निर्वपामी अग्नये दुष्टम निर्वपामी, इसने क्या किया, शुरू के कुछ भाग को देवस्यत्वा सवितु प्रसवे निर्वपामी यहां पर आ गया, अभी अपने आप में एक वाक्य हो गया ना, उन्होंने कहा इति एकम वाक्यम, कि देव के देव, देव से संबंधित सविता है, उसको प्रसव के लिए निर्वाप करता हूं, तो मतलब उसको तंडुल को बोलते हैं वो, कि तेरे को देव के से संबंधित के लिए मैं प्रसव के लिए अलग से निकालता हूं, निर्वाप करता हूं, उठा करके लेता हूं, एक वाक्य अपने आप में हो गया, निराकांक्ष है वैसे अगर अपने आप में यूं देखें तो। आगे कहा अश्विनोर बाहुभ्याम निर्वपामी इति अपरम, मंत्र में जो अश्विनोर बाहुभ्याम है, अश्वी जो देवता है उनकी बाहुओं से तेरा निर्वाप करता हूं, करण के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया। पहले जो कहा ना ननु देवस्य त्वा सवितु प्रसवे निर्वपामी, वहां अग्नय अग्नि के लिए, अग्नि देवता के लिए है, ये संप्रदान अर्थ है वहां पर पहले वाक्य में, और दूसरे वाक्य में करण अर्थ लेते हुए अश्विनोर बाहुभ्याम निर्वपामी, वैसे तो अपने हाथों से कर रहा है लेकिन कह ऐसे रहा है जैसे कि मैं अश्विनी कुमारों के हाथों से कर रहा हूं, अश्विनी कुमारों जैसे हाथ बना करके कर रहा हूं, अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक थे, दो अश्विनों जोड़े से आते हैं हमेशा, उसको प्राणापान के नाम से भी कहा जाता है और बहुत तरह की संगतियां रहते हैं, पर जैसे कोई चिकित्सक हमारे हित के लिए औषधि आदि को उठा करके देता है या अस्त्र शस्त्र उठाता है, चुरे आदि जो भी कार्य करता है वो हित की भावना से बड़े अच्छे ढंग से विश्वास पूर्वक उससे हम चीजें लेते हैं, ऐसे हाथों से मैं तेरे को कर रहा हूं, जैसे कि अश्वी के हाथों के द्वारा कर रहा हूं, तो ये करण के रूप में आ गया। ये कहा कि देखो ये भी एक वाक्य है अश्विनोर बाहुभ्याम निर्वपामी, और तीसरा यहां लिखा नहीं है लेकिन चाह कर सकते हैं पुष्ट
अग्नये जुष्टम निर्वपामी पूष्णो अग्नये, ऐसे तीसरा वाक्य भी हम ले सकते हैं। आगे इन्होंने चर्चा में उठाया भी है वैसे तो, ठीक है। तो इति अपरम एवं बहुनी वाक्यानि, ऐसे इसी एक मंत्र में हम कई वाक्य बना सकते हैं। इसमें किया क्या है, निर्वपामी को बार बार लिया है, अनेक बार लेकर के बोले ये वाक्य बन गए हैं। तो इसको एक वाक्य न कह के अनेक वाक्य कहेंगे। सिद्धांती ने इसको एक वाक्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था, पूर्व पक्षी कह रहा है ये अनेक वाक्य है। या तो इस पर सिद्धांती उत्तर देता है, यदि निर्वपामी इति अनुषंग ततो बहुनी वाक्यानि, बोले हाँ ये बहुत वाक्य हो सकते हैं यदि निर्वपामी का अनुषंग हो रहा हो। अनुषंग का मतलब है ये निर्वपामी यहां भी लगेगा, वहां भी लगेगा, वहां भी लगेगा, अनेक जगह पर लग रहा है। ऐसा यदि होता तो ये अनेक वाक्य होते, अभ्युपगम से बोल रहा है यदि होता तो, है नहीं ऐसा। न तू एवं अनुषंगो भवती, बोले अनुषंग ऐसे नहीं होता है। अनुषंग मतलब कि एक क्रिया अनेक जगह पर जब लगती है वो होता है शास्त्रों के अंदर, अनुषंग होता है, लेकिन बोले ऐसे नहीं होता है अनुषंग। अनुषंग भी हर जगह पर कैसे भी लगा लो, एक क्रिया ही मन चाहे ढंग से कहीं भी बार बार प्रयोग कर लो, ऐसा नहीं होता है। बोले यहां नहीं होगा, न तू एवं अनुषंगो भवती, यहां अनुषंग नहीं होता है, क्योंकि उसके बदलने से, अनुषंग के बदलने से, ये वाक्य के बदलने से भिन्न भिन्न चीजें हो जाती हैं। उसके पीछे एक सिद्धांत बता रहे हैं कि कब ऐसा होता है और कब नहीं होता है। कहा यदि गुणभूतो निर्वपामी थी, यदि इस वाक्य में निर्वपामी ये गुण क्रिया है, अप्रधान यदि है तो तथा प्रति प्रधानम भिद्येता, तो जितने भी वहां पर प्रधान है उनके साथ साथ वो भेद को प्राप्त होगी, यानी अनेक बार बोली जाएगी। देखिए अब इसमें वाक्य में विधि क्या है और अनुवाद क्या है, विधेय क्या है, इसमें प्रधान मुख्य चीज क्या है, यानी प्रधान और अप्रधान की दृष्टि से हम देखेंगे। यदि वाक्य में, इस मंत्र में निर्वपामी प्रधान है और बाकी जो शब्द हैं सुबंत वो उसके विशेषण है और वो गौण है, तो अब सिद्धांत क्या लगेगा कि प्रधान अप्रधान के अनुसार बदलता नहीं है। अप्रधान तो प्रधान के अनुसार बदलेगा, लेकिन प्रधान अप्रधान के अनुसार नहीं बदलेगा। मान लो राजा प्रधान है और उसके मंत्री कर्मचारी वो अप्रधान है राजा की अपेक्षा। अब कहीं जंगल में गए और कहीं बैठना है, तो जहां राजा बैठेगा अब उसके अनुसार बाकी सब भी बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बाकी सब बैठ गए और उनके अनुसार राजा बैठेगा, राजा के अनुसार वो बैठेंगे। तो जो प्रधान होता है उसके अनुसार दूसरे बदलते हैं, न कि अन्यों के अनुसार प्रधान बदलता है। एक सामान्य नियम और युक्ति है, व्याकरण में भी चलता है ये। तो उसी तरह से इन्होंने कहा यदि निर्वपामी अप्रधान हो, गुण क्रिया हो, तब तो जितने प्रधान हैं उनके अनुसार वो बदलेगा। यानी बाकी कई प्रधान हैं और सेवक एक ही है अप्रधान है, तो इसको भी खाना जाके देगा, पानी देगा, इसकी भी सेवा करेगा, उसकी भी सेवा करेगा, सबकी सेवा करेगा। वो जैसा कहेंगे उसके अनुसार ये एक बार तो एक बार, दो बार तो दो बार, पांच बार तो पांच बार सेवा आदि कार्य करेगा। लेकिन यदि प्रधान है निर्वपामी तो अब ये दूसरों के अनुसार अनेक बार नहीं आएगा। एक सेवक वहां है, एक सेवक यहां है, तो प्रधान को कहा कि भाई अच्छा वो वहां पानी पिला रहे तो आप जाके वहां पानी पी लो और यहां जाकर के ये कर लो। प्रधान तो अपनी जगह रहेगा, एक ही बार रहेगा, वो दूसरे गतिविधि करेंगे, इधर उधर आएंगे जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा यदि गुणभूतो निर्वपामी, अगर ये निर्वपामी यहां गुणभूत होता तब प्रति प्रधान ये इसका भेद होता, यानी अनेक बार आता। जैसे कि पूर्व पक्षी ने इसको निर्वपामी को अनेक बार किया, तो सिद्धांती कहना चाहता है कि यहां निर्वपामी मुख्य है, मुख्य बात कही जा रही है, तब ये अनेक बार नहीं आ सकता, एक ही बार आएगा बस ये, इसलिए यहां अनुषंग नहीं हो सकता है। इसी विषय में और कह रहे न च निर्वापो देवस्यत्वा इत्येवम् आदिनाम अर्थे न उच्यते। इस पंक्ति के दो तरह से अर्थ ले सकते हैं। एक तो है कि इस मंत्र में जो निर्वाप है वो देवस्यत्वा इत्यादि के प्रयोजन से नहीं कहा जा रहा है कि देवस्य के लिए ये हो गया, उष्णो बाहुभ्याम अश्विनोर बाहुभ्याम के लिए निर्वपामी हो गया, ऐसा नहीं है। निर्वपामी शब्द इन देवस्यत्वा सवितु प्रसवे इन सब के लिए नहीं है। अब इसको दूसरे ढंग से देखिए,
कि पिछली पंक्ति में चूंकि निर्वपामी को गुणभूत कहा था, अभ्युपगम से कहा था, यदि गुणभूत हो निर्वपामी तो उसको गुणभूत रखते हुए देखिए कि यदि निर्वाप गुणभूत होगा, तो यह निर्वाप का मतलब गुणभूत निर्वाप देवस्यत्वा इत्यादि के प्रयोजन के लिए नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि यदि इन सब के लिए होगा निर्वाप, यदि इन सब के लिए होगा तो हमें अनेक निर्वाप दिखने चाहिए। ये देवस्यत्वा सवितु प्रसवे, इसमें अगर आप निर्वाप निर्वाप बार बार कर रहे हो तो कितने निर्वाप दिखने चाहिए वहां पर? मान लो तीन बार निर्वाप किया, दो बार निर्वाप शब्द का निर्वपामी प्रयोग किया, तो कितने निर्वाप वहां दिखने चाहिए? जितनी बार निर्वपामी का है उतनी उतने होने चाहिए वहां पर, अनेक निर्वाप होने चाहिए फिर व्यवहार में भी। लेकिन वहां व्यवहार में अनेक निर्वाप है नहीं, एक ही निर्वाप होता है, एक ही साथ एक ही जगह साथ होता है। तो एक ही निर्वाप है, इससे पता लगता है कि निर्वपामी प्रधान है, अप्रधान नहीं है। उस दृष्टि से देखिए, न च निर्वापो देवस्यत्वा इत्येवम् आदिनाम अर्थे न उच्यते। इसको यदि गुणभूत निर्वाप देवस्यत्वा आदि सबके लिए होता तो अनेक निर्वाप देखे जाते, लेकिन अनेक निर्वाप तो है नहीं वहां पर, एक ही निर्वाप है, इससे पता लगता है कि यह प्रधान है। आगे साधन प्राधान्य ही अदृष्टार्थ था वचन से स्यात्। यदि आप साधनों की प्रधानता मानोगे, अर्थात निर्वाप की अप्रधानता मानोगे निर्वपामी की, ये देखो ये बीच वाला जो वाक्य था इसका मैंने जो दूसरा अर्थ बोला वो इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले का वाक्य भी गुणभूत निर्वाप को कह रहा है और बाद वाला वाक्य भी निर्भूत गुणभूत निर्वाप को कह रहा है इस दृष्टि से। लेकिन फिर भी प्रधान निर्वाप मानते हुए भी वाक्य का अर्थ किया जा सकता है, दोनों तरह अर्थ हो सकते हैं। तो साधन प्राधान्य ही अदृष्टार्थ था वचनस्य स्यात्। देखो निर्वपामी को यदि अप्रधान कर दिया तो जो अन्य है हस्ताभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम जो बाकी शब्द हैं साधन, उनकी प्रधानता वहां पर हो जाएगी। इन्होंने कहा साधन प्राधान्य यानी बाहुभ्याम आदि, उनकी अगर प्रधानता होगी तो अदृष्ट वचन की अदृष्टार्थता आ जाएगी। अदृष्टार्थता अनिष्ट के रूप में कथन की जा रही है यहां पर, क्योंकि दृष्टार्थता ये सबसे पहली बात है, अदृष्टार्थता नहीं तो अदृष्टार्थता भी मानी जाती है, शास्त्र स्वीकार करता है अपूर्व की उत्पत्ति अदृष्ट मानी जाती है, लेकिन वो अदृष्टार्थ की एक कल्पना तो है, एक कदम हमारे को गौरव तो आ ही रहा है वहां पर। इसलिए यदि दृष्टार्थता है और फिर हम अदृष्टार्थता की तरफ जा रहे हैं तो ये दोषी माना जाता है। जैसे अभिधा होते हुए हम लक्षणा पे जाएंगे तो ये दोषप्रद है, लेकिन अभिधा नहीं है तो लक्षणा पे जा रहे हैं तो वो स्वीकार्य होता है, क्योंकि अभिधा है ही नहीं तो लक्षणा पे जाना ही होता है। ऐसे ही दृष्टार्थता है ही नहीं तो अदृष्टार्थता पे जाना होगा, तब दोष नहीं कहलाएगा, लेकिन दृष्टार्थता संभव है और फिर हम अदृष्टार्थता वाला पक्ष ले रहे हैं ये अनिष्ट कहलाता है, ये दोषप्रद कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि यदि हम साधन की प्रधानता मानेंगे तो वचन की अदृष्टार्थता हो जाएगी। क्यों अदृष्टार्थता होगी? कि जो बाहु है उसमें इस क्रिया से कोई अंतर तो आया नहीं, दृष्टार्थता तो है नहीं बाहु की वहां पर। निर्वपामी की प्रधानता होगी तो निर्वाप अलग से दिख रहा है कि भाई ये थोड़ा चावल व्रीही ये अलग किया गया है, उधर समूह से अलग किया गया, जो अलग ढेर आया ये दृष्टार्थता है, दिख रहा है हमारे को अलग से। लेकिन अगर बाहु की करण की आप प्रधानता साधन की प्रधानता मानोगे तो इस मंत्र को बोल करके आपने वो निर्वाप कर भी दिया तो बाहु में क्या दृष्टार्थता दिख रही है? कुछ भी नहीं, तो अदृष्टार्थता आ जाएगी, अदृष्टार्थता की कल्पना करनी पड़ेगी जो कि दोष है, अनिष्ट के रूप में कहा गया। अब कहते हैं निर्वापे पुनः प्रधाने, लेकिन यदि हम निर्वाप को प्रधान मानेंगे निर्वपामी को तो दृष्टम कार्यम निर्वाप प्रकाशनम, हमारे को दृष्ट कार्य दिखाई दे रहा है, क्या है? निर्वाप का प्रकाशन, यानी निर्वाप मतलब अलग से ये पिंड हमारे एक ढेर दिखाई दे रहा है हमारे को, निर्वाप का प्रकाशन की इतनी चीज है जो अब देवता के लिए काम में ली जाएगी, इसको शोधन करेंगे, इसको पीसेंगे, इसको उसनेंगे, इसको पकाएंगे, ये सब बाद में हमारे को होगा, अलग अलग करेंगे, ये दृष्टार्थता दिख रही है। तो इसलिए निर्वपामी प्रधान कर्म मानना होगा। तत्सर्वैर विशेषणैर विशिष्टम उच्यते, और ये जो निर्वपामी है ये इसकी प्रधानता है तो ये सब विशेषणों से विशिष्ट होते हुए कहा जा रहा है। इस मंत्र में बाकी जितने भी शब्द हैं सुबंत पद हैं
वो विशेषण के रूप में है और क्रिया विशेष्य के रूप में है। ये निर्वपामी क्रिया सब विशेषणों से विशिष्ट होता हुआ कहा जा रहा है यहां पर, इस पूरे वाक्य में, इस मंत्र में सब विशेषणों से युक्त क्रिया कही जा रही है। तस्मात अविरोध है, इसमें कोई विरोध, इसलिए कोई विरोध नहीं है, इसमें एक ही वाक्य है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि निर्वपामी बार बार बोल करके हम अनेक वाक्य करेंगे, इसने कहा नहीं, एक ही वाक्य है ये, बाकी सब तो इसके विशेषण के लिए, और विशेषण हमेशा विशेष्य के लिए होता है, विशेष्य विशेषण के लिए नहीं होता है, विशेषण विशेष्य के लिए होता है, इसलिए विशेष्य ही वहां पर प्रधान है। इस दृष्टि से तो क्रिया ही यहां पर प्रधान है। यथाच पदम पदेन विशेष्यते, जिस प्रकार से एक पद दूसरे पद के द्वारा विशेषित होता है, यानी वो क्रियापद अन्य सुबंतों के द्वारा विशेषित हो रहा है, तथोक्तम जैसा कि हमने पहले कहा था, तद्भूतानाम इति तस्माद एकम वाक्यम, इसलिए ये एक वाक्य है। तथोक्तम तद्भूतानाम, तद्भूतानाम ये पीछे प्रथम अध्याय के पहले पाद का 25वां सूत्र था, तद्भूतानाम। उस तद्भूतानाम को भाष्यकार ने खोला था वहां पर क्रियाभूतानाम, उसमें क्या कहा था, तेषु एव पदार्थेषु भूतानाम, उन्हीं पदार्थों में विद्यमान, मतलब भूतानाम मतलब वर्तमानानाम पदानाम क्रियार्थेन समुच्चारणम, उनका क्रिया के लिए समुच्चारण होता है, क्रियार्थेन मतलब क्रियावाचक पद के लिए समुच्चारण होता है। इस प्रकार के जो वर्तमान में पद के अर्थ, जो अर्थयुक्त पद हैं, उनका क्रियावाची पद के लिए उच्चारण किया जाता है। वाक्य में जो विशेषण पद हैं, सुबंत हैं, उनका उच्चारण क्रियावाची पद के लिए किया जाता है। इसको सामान्य हिंदी की वाक्य में आप कोई एक वाक्य बोलें तो मैं उसमें और घटा देता हूं, व्याकरण वाले तो सब समझ ही रहे होंगे इस बात को, कोई संदेह नहीं होगा आप लोगों को। ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी वाक्य में, किसी को स्पष्ट नहीं हो तो बोलो, किसी वाक्य में क्रिया के लिए ही वो कहा जाता है? नहीं, कोई वाक्य बोलिए अपनी तरफ से, कोई भी वाक्य बोल दीजिए, बोलिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा बोलिए, हाँ माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। यह वाक्य समझ नहीं आया है। यह वाक्य समझ नहीं आया, आया के साथ है भी लगाओगे ना, ठीक है। इसमें यह शब्द किससे जुड़ा हुआ है? वाक्य से। कौन सा वाक्य? यह वाक्य, ठीक है। इसमें समझ नहीं आया, इसको एक क्रियापद मानेंगे हिंदी की दृष्टि से, अभी तक निषेध किया जा रहा है समझने का, समझना। तो ये जितने पद हैं ये समझने से संबंधित हैं। वाक्य जो है, यह वाक्य, इसका संबंध किससे जुड़ेगा? समझने से। भाई समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया? ये वाक्य समझ नहीं आया, नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? समझना नहीं हुआ। ये सब समझने के साथ में जाकर के जुड़ेंगे। ये थोड़ा आपने वैसे जटिल वाक्य बोल दिया उस तरह, वैसे एकदम सरल सा कोई वाक्य बोलेंगे तो आप बोलिए खबरा जी। इस भवन में चिड़िया गीत गा रही है, आपने वही वाला वाक्य बोल दिया पहले वाला। इस भवन में चिड़िया गीत गा रही है, चूंकि अभी प्रत्यक्ष आ रहा है और ये कवि है तो इन्होंने चिड़िया को देख करके देखो आनंद ले रहे हैं, चिड़िया का पाठ के साथ साथ चिड़िया का भी श्रवण हो रहा है। इस भवन में चिड़िया गीत गा रही है, तो गाना ये क्रिया हो गई, गा रही है ये क्रिया हो गई। अब इस भवन में किससे जुड़ेगा? गीत गाना कहाँ चल रहा है? इस भवन में। कौन गा रहा है? चिड़िया। चिड़िया क्या कर रही है? गा रही है। क्या गा रही है? गीत गा रही है। तो गाना रूप जो क्रिया है वो उसी से ये सारे जुड़े हुए हैं। ये इस वाक्य में क्या कहना चाहते हैं? इस भवन को कहना चाहते हैं, चिड़िया को कहना चाह रहे हैं, गीत को कहना चाह रहे हैं, या गाने को कहना चाह रहे हैं? इन्होंने एक वाक्य बोला कि इस भवन में चिड़िया गीत गा रही है, वे क्या कहना चाहते हैं? सामान्य रूप से देखना, पीछे की पृष्ठभूमि के आधार पर तो विधेय बदल जाएगा, लेकिन एक सामान्य रूप से आप देखेंगे तो ये कहना क्या चाह रहे थे? गाने को, गाने को कहना चाह रहे थे, गीत गाने को कहना चाह रहे थे। अब उसके बाकी सारे विशेषण बन गए। तो किसी भी वाक्य में
अन्य जो सुबंत पद होते हैं, नामवाची पद होते हैं, वो क्रिया से जाकर के जुड़ते हैं, क्योंकि तो जितने सुबंत पद होते हैं उनको कारक बोलते हैं संस्कृत के अंदर, कारक, जैसे कर्ता कारक। वाक्य में जितने पद हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, या तो कर्ता कारक कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे, करण कारक कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे, अधिकरण कारक कहेंगे, या संबंध होगा तो वो शब्द भी आ जाएगा। ये सब क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। और कारक कहते ही उसके हैं जो क्रिया की निवृत्ति में यानी होने में सहायक होते हैं, क्रिया को करने में जो सहायक होते हैं उनको कारक बोलते हैं। तो जो करने वाला है वो भी क्रिया में सहायक है। और मान लो वो कोई चिड़िया को देख रहा है, तो अगर को चिड़िया कर्म नहीं होगा तो देखेगा क्या वो, तो उसको भी देखने में सहायक है। किसके लिए देख रहा है, राम के लिए रोटी दे रहा है, तो के लिए वो भी क्रिया में सहायक होता है। तो ये जितने भी कारक हैं ये क्रिया में सहायक होते हैं, और एक तरह से वो क्रिया के विशेषक ही होते हैं, और क्रिया विशेष्य होता है, इस दृष्टि से ये कथन। तो कहा यथा च पदम पदेने विशेष्यते तथोक्तम तथा भूतानम तस्माद एकम वाक्यम, ये एक ही वाक्य है, देवस्य त्वा सवितु। हाँ, पृष्ठ संख्या 139-140 विवरणे नीचेता चतुर्थ पंक्तो पंचम पंक्तो लिखितमस्ति। चार चार मुट्ठी ब्रीही वा यवको क्रमशः पवित्र संजक दो पुषा रखी अग्निहोत्र हवनी वा सूर्प में ग्रहण करना अभी निर्वाप कहता है। तो निर्वाप क्रिया एक बार भवती वा अनेक बार भवति, निर्वाप क्रिया एकदा भवति वा बहुधा भवति, ऐसे तो चार बार होती है। तो अत्र कथम, इस देवस्य त्वा मंत्र से तीन बार करते हैं और एक बार बिना मंत्र के करते हैं। तो निर्वापन एकदा एव भवति, नहीं, निर्वाप तीन बार होगा और हर बार देवस्य त्वा मंत्र बोला जाता है, तो एक बार मंत्र बोलने पे एक ही बार किया जाता है। देखो इसमें नीचे भी लिखा है इन्होंने, प्रत्येक मुट्ठी के ग्रहण के समय देवस्य त्वा मंत्र बोला जाता है, परंतु चौथी मुट्ठी बिना मंत्र के ग्रहण की जाती है। तो एक बार में मंत्र बोला तो एक ही बार मुट्ठी लेकर के रखा उसको, ये निर्वाप किया, वहां से हटा करके एक तरफ रख दिया। तो एक बार मंत्र बोला तो उसमें एक ही तो क्रिया हुई है, दूसरी बार के लिए तो दोबारा मंत्र बोला है उसने, तीसरी बार के लिए तिबारा बोला है, तो एक बार मंत्र बोलने से एक ही बार निर्वाप क्रिया हुई है। ठीक है, कदाचित एवं भावितुम अर्हति कि एकस्य कृते एकदा संयुक्ते निर्वापन क्रिया तदर्थम त्रिधा क्रियते अत्र। तो एक बार मंत्र बोलेंगे और तीन बार कर लेंगे, नहीं एवं नास्ति, मंत्रे निर्वापामि शब्दो वर्तते तस्य संबंध भिन्न भिन्न सुबंधेन सह भवति तदर्थम त्रिवारम क्रियते। नहीं ऐसा नहीं है ना, वहां तो पूरा मंत्र बोला जाता है, एक निर्वाप के समय पूरा मंत्र बोला जाता है, पूरा मंत्र बोला जाता है, और ये आपस में संबद्ध भी तो है ना, ये आपस में संबद्ध भी है ये, और यूं अगर आप अलग करोगे तो साकांक्ष भी होगा, अश्विन और बाहुभ्याम निर्वापामि, निर्वाप कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं, ये सब कुछ ना कुछ वहां पर आएगा, ये अधूरा वाक्य है, निर्वाप कर रहा हूं, ये पूरे को एक मान करके चलते हैं, क्रिया को देख करके। आगे देखिए, अपूर्व पक्षी और प्रश्न उठा रहा है कि अथक किमर्थम उभयम सूत्रितम, सूत्र में ये दो बातें क्यों आपने लिख दी, क्या क्या, अर्थैकत्वात् इति च, एक तो अर्थैकत्वात् ये आपने लिखा, और विभागे साकांक्षम इति ये भी लिखा, इन दोनों की क्या आवश्यकता थी, एक ही बोल देते, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, जिस वाक्य का एक ही अर्थ होता है, एक ही प्रयोजन होता है, उसको एक वाक्य कहते हैं, बस अब कोई समस्या ही नहीं थी, या तो इतना बोल देते, अथवा यूं बोल देते कि जो विभाग करने पे साकांक्ष होते हैं उसको एक वाक्य कहते हैं, क्योंकि जो विभाग होने पे साकांक्ष होते हैं इसका मतलब उनका अर्थैकत्व है, और जिनका अर्थैकत्व है उनको अलग करने पर वो साकांक्ष बनते ही हैं, इसलिए अर्थैकत्वात् इतने से भी काम चल जाता, साकांक्षता वाली बात उसी में जुड़ी हुई थी, और अथवा विभाग में साकांक्ष होते हैं इतना बोल देते तो भी अर्थैकत्व समझ में आ जाता। ये आ गया ना समझ में इनका, कि यदि अर्थैकत्व है और इतना ही बोलते हैं तो विभाग करने पर साकांक्षता तो होती ही, क्योंकि अर्थैकत्व था, इसलिए साकांक्ष विभागे साकांक्षता की बात नहीं कहनी चाहिए, और यदि विभाग में साकांक्ष आप कह रहे हो
तो विभाग में साकांक्ष तो तभी होंगे जब अर्थैकत्व होगा। अर्थैकत्व है तो विभाग में साकांक्ष होगा, और विभाग में साकांक्ष है तो अर्थैकत्व होगा ही, एक होने पर दूसरा होता ही है, इसलिए आप किसी एक को कहना चाहिए था, ये दो दो आपने क्यों कह दिया सूत्र में, ये प्रश्न रखा है। इसका उत्तर दे रहे हैं उच्चते, इसका उत्तर दो मंत्रों के यानी दो उदाहरणों को दे करके दे रहे हैं अलग अलग तरह से। ये कहते हैं प्रत्युदाहरण, जैसे कि काशिका आदि में बताया जाता है, एक चीज को हटा करके दिखाते हैं। अब ये दो उदाहरण ऐसे देंगे, एक ऐसा उदाहरण देंगे जिसमें अर्थैकत्व तो है लेकिन विभाग में सांकांक्षत्व नहीं है। अर्थैकत्व तो है लेकिन विभाग होने पर सांकांक्षत्व नहीं है, और दूसरा उदाहरण देंगे जहां सांकांक्षता तो है, विभाग में सांकांक्षता तो है लेकिन अर्थैकत्व नहीं है, अलग अलग करके। यदि दोनों साथ साथ में है ऐसा उदाहरण देंगे तब तो निर्णय होगा ही नहीं, फिर तो दोनों है ही वहां पर। तो ऐसे उदाहरण, तो पहला उदाहरण दे रहे हैं उच्चते भवती किंचित एकार्थम न तो विभागे साकांक्षम। बोले कोई कोई ऐसे होते हैं जहां अर्थैकत्व तो होता है लेकिन विभाग में साकांक्ष नहीं होते, तो यदि ऐसे केवल ये परिभाषा रखते अर्थैकत्व तो ये भी एक वाक्य होने लगता है, जबकि वो अनेक वाक्य हैं। यदि केवल अर्थैकत्व परिभाषा रखते तो अब जो उदाहरण देने वाले हैं वो एक वाक्य कहलाता, अनेक वाक्य नहीं होते, जबकि वास्तव में वो अनेक वाक्य हैं, क्योंकि विभाग में वो साकांक्ष नहीं है। तो भवति किंचित एकार्थम न तो विभागे साकांक्षम, उदाहरण दिया भगो वाम विभजतु, अरेमा वाम विभजतु, पूषा वाम विभजतु। तो यहां पर ये जो हैं भग अर्यमा पूषा ये देवता हैं, विभजतु मतलब विभाग करते हैं, ये जो पुरुडाश आदि बनाते हैं वहां पर ये विभाग किया जाता है। इसमें क्या, पहले तो अलग अलग निर्वाप करके ले लिया, अब उसकी सफाई करते हैं तो वो एक साथ कर लेते हैं मिला करके, पीसते हैं तो एक बार एक साथ कर लेते हैं, और उसको ओसनते हैं तो वो भी एक साथ कर लेते हैं सबको। अब अलग अलग देवताओं के लिए अलग, ओसनने के बाद में अब जब पकाना होता है तो उसको अलग अलग कर लेते हैं, ये इस देवता के लिए, इस देवता के लिए, इस देवता के लिए। तो जिस समय उसको ओसनने के बाद में सारे को इकट्ठा एक पिंड बना हुआ है, अब उसमें से जो अलग अलग भाग किए जा रहे हैं उस समय का ये है, ये उस समय बोला जाता है। तो उन्होंने कहा भगो वाम विभजतु, अर्यमा वाम विभजतु, पूषा वाम विभजतु। तो इति एकार्था सर्वे विभागम अभिदधति, ये जितने भी भाग हैं, अब इसको हम कहते हैं कि ये ऐसा कैसा लिखा हुआ है, तो भगो वाम विभजतु अल्प विराम है, ये पूरा हो गया वाक्य, अरे मा वाम विभजतु एक अलग वाक्य, और पूषा वाम विभजतु ये अलग वाक्य, ये तीन वाक्य हुए ना, क्योंकि विभजतु तीन बार आया है यहां पर, ये तीनों अलग अलग वाक्य, ऐसा ही पढ़ा गया है। लेकिन सिद्धांति क्या कह रहा है कि ये सब एक अर्थ वाले हैं। क्या अर्थ है इनका एक, बोले ये विभागम अभिदधति, ये विभाग को कह रहे हैं। विभजतु 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 तीनों जगह समान है, और विभजतु में विभाग में कोई अंतर नहीं है, वो जो पिंड था उसमें भग के लिए भग अरेमा और ये पूषा इनके लिए जो, ये जो अलग अलग तीन विभाग किए गए, तो विभाग तो विभाग एक जैसा है, अर्थ की एकता है, अर्थैकत्व है, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं आ रही, प्रयोजन में भिन्नता नहीं आ रही है, चाहे इसको बोल करके कर रहे हैं तब भी वैसा ही विभाग कर रहे हैं, दूसरे भाग दूसरे मंत्र के अंश को दूसरे वाक्य को बोल के विभाग कर रहे हैं तब भी वैसा ही विभाग कर रहे हैं, और तीसरे वचन को बोल करके विभाग कर रहे हैं तब भी वैसा ही विभाग कर रहे हैं। विभाग में क्या भेद है, वहां पर कोई प्रक्रिया में भेद नहीं है, विभाग तो एक ही जैसा है। तो ये अर्थैकत्व हुआ, अर्थैकत्व हुआ। इस पर पूर्व पक्षी कुछ प्रश्न रख रहा है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु भग विशिष्टात विभागात अर्यमा विशिष्टो अन्यो विभाग। बोले विभाग तो अलग अलग है, सिद्धांती ने कहा था कि ये विभाग एक जैसे हैं, अर्थैकत्व है। बोले नहीं, अलग अलग विभाग हैं। बोले पहला वाला तो अर्यमा से विशिष्ट है, भग विशिष्ट है, क्योंकि भगोवाम विभजे तो भग शब्द अलग पढ़ा गया है, और दूसरे में अर्यमा शब्द पढ़ा गया है, तो ये दोनों विभाग अलग अलग हैं, एक भग विशिष्ट है एक अर्यमा विशिष्ट है, तो अलग अलग हो गए। इस पर सिद्धांती कह रहा है ना इति उच्यते, नहीं ऐसा नहीं है, विभाग सामान्येन अस्य प्रयोजनम न विशेषेण। विभाग सामान्य किसे प्रयोजन है, बस इसका, ये एक किया ये एक किया ये किया, इसमें कोई विशेष नहीं है, और उनको देख करके आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका है ये इसका है ये इसका है, वो कुछ नहीं है वहां पर, सामान्य है। आगे सामान्य ही दृष्टार्थो भवति न विशेषे, अगर आप
इसको सामान्य अर्थ मानते हैं तभी यहां दृष्टार्थता होती है। यदि आप विशेष मान लेते हैं कि ये भग विशिष्ट है, ये अर्यमा विशिष्ट है, ये पूषा विशिष्ट है, तो अदृष्टार्थता आ जाएगी, क्योंकि इन विशिष्ट का जो विभाग है उसका भेद आप वहां क्या बता सकते हो, दृष्टार्थता में क्या भेद दिखाई देगा। भग विशिष्ट अलग किया, अर्यमा विशिष्ट, पूषा विशिष्ट, उन वो जो विभाग किए उसमें कुछ भेद दिखा सकते हो क्या कि ये इससे इस विशिष्ट है, ये इस विशिष्ट, ये इस विशिष्ट है, दृष्टार्थता तो नहीं रही। लेकिन विभाग की तो दृष्टार्थता है, विभाग तो हमें अलग अलग दिख रहा है। वो कब है, जब सामान्य रूप से विभाग मानेंगे, सामान्य विभाग मानेंगे उसकी दृष्टार्थता है। अगर आप विशिष्ट विभाग मानोगे तो उसकी दृष्टार्थता नहीं है, तो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, ये दोष आएगा। तो इसलिए कहा सामान्य ही दृष्टार्थो भवति न विशेषे, विभागे तू न साकांक्षम। तो यहां तक तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि एकार्थता है इसकी, एकार्थता बताई, अनेकार्थता में दोष दिखाया अदृष्टता का। और विभाग होने पर भी ये आपस में साकांक्ष नहीं है। मान लो भगोवाम भी भजतु अलग वाक्य कर दिया, अरेमा वा भी भजतु और पूषा वाम भी भजतु, यद्यपि ये साथ साथ लिखे हुए हैं लेकिन तीनों को अलग अलग कर दिया तो ये आपस में साकांक्षा ही नहीं, स्वतंत्र हैं, इनको एक दूसरे की आकांक्षा नहीं है यहां पर। इसलिए अर्थ एक होते हुए भी विभाग करने पर चूंकि ये साकांक्ष नहीं है, इसलिए ये एक वाक्य है या अनेक वाक्य है, बोलो, दोनों तरह से उत्तर आ रहे हैं। इसलिए ये अनेक वाक्य हैं। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा, तस्मात भिन्नम इदम वाक्यम विभागे विकल्प्यते, ये भिन्न भिन्न वाक्य हैं और विभाग करने पर ये विकल्प प्राप्त होते हैं। कभी ये बोला जाएगा, फिर ये बोला जाएगा, ये बोला जाएगा, अलग अलग, सब एक साथ नहीं बोले जाएंगे। देखो ये अनेक वाक्य कैसे बने, अर्थैकत्व है, अर्थैकत्व होने पर एक वाक्यता होनी चाहिए। यदि अर्थैकत्व ही लक्षण होता तो एक वाक्यता होती। अब साथ में शर्त ये जोड़ी है कि एक अर्थ होते हुए भी विभाग करने पर यदि साकांक्ष हो तो एक वाक्य होगा, विभाग करने पर यदि साकांक्ष हो तो एक वाक्य होगा। यहां क्या हो रहा है, विभाग करने पर भी वो साकांक्ष नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक वाक्य नहीं बनेगा। एक वाक्य नहीं बनेगा मतलब अनेक वाक्य होंगे। अर्थैकत्व होते हुए भी विभाग करने पर साकांक्ष नहीं है, इसलिए ये अनेक वाक्य हैं, भिन्न भिन्न वाक्य हैं। इसलिए बोले सूत्र में हमारे को अर्थैकत्व के साथ साकांक्षम चेत विभागे ये भी कहना पड़ा, ये आवश्यक है कहना, दोनों शर्तें घटनी चाहिए, एक शर्त घटेगी तो नहीं होगा, दोनों घटनी चाहिए। तथा अब ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दूसरा उदाहरण कैसा देंगे, ये भी प्रत्युदाहरण है व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। तो पहले उदाहरण में क्या था, अर्थैकत्व था लेकिन साकांक्षता नहीं थी, विभाग होने पर साकांक्षता नहीं थी। अब जो वाक्य आएगा उसमें अर्थैकत्व तो नहीं है लेकिन विभाग होने पर साकांक्षता है, तो अब इसको एक वाक्य मानेंगे या अनेक वाक्य मानेंगे, एक वाक्य मानेंगे या अनेक वाक्य मानेंगे, अनेक मानेंगे, क्योंकि दोनों शर्तें नहीं घट रही हैं, दोनों शर्तें घटेंगी तो एक वाक्यता होगी। अब यहां अर्थैकत्व नहीं है, साकांक्षता भले ही है लेकिन अर्थैकत्व नहीं है। इस दृष्टि से और विचार करेंगे अभी, और मंत्रों पर भी थोड़ा ये एक समझ की बात है कि इन्होंने जैसे लिखा है। देखिए स्योनम ते सदनम कृणोमि, मंत्र आपके सामने आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, अर्थसंग्रह में, स्योनम ते सदनम कृणोमि, पुरुडाश को कह रहा है, हे पुरुडाश तेरे लिए सुखदायक सदन कृणोमि कर रहा हूं, बैठने का स्थान सदन, घृतस्य धाराया सुशेवम कल्पयामि, और घृत की धारा से तेरे को सुखदायक बना रहा हूं, ऊपर से घी भी सूखे नहीं। पुरुडाश जैसे रोटी का लोया बनता है गर्मी के दिनों में, लोया बना के रख दो थोड़ी देर, एक साथ लोए बना के रख दो फिर रोटी बनाना शुरू करें तो बाद में क्या होता है, तब तक ऊपर पपड़ी आ जाती है, फिर बेलते हैं तो पपड़ी पपड़ी लगती है, लेकिन अगर उसको घी लगा दो तो जैसे कि पूड़ियां बनाते समय करते हैं, तेल लगा करके वो चिकना करके रखते हैं, उसमें पपड़ी नहीं आती है, तो उसके लिए अच्छा सुखपूर्वक कर रहे हैं ना, अच्छी तरह से बन पाएगा, प्रथन उसका अच्छी तरह होगा पुरुडाश का। तो घृतस्य धाराया सुशेवम कल्पयामि, घृत करके तेरे को अच्छी तरह सुखपूर्वक कर रहा हूं, सूखेगा नहीं तू, तस्मिन सीधा उसमें तू बैठ, उस सदन में
अमृते तस्मिन सीधा अमृत तस्मिन अमृते सीधा, ऐसे अमृत स्थान पर बैठ तू जो मैंने तेरे लिए सुखदायक बनाया उस अमृत स्थान पर बैठ, कष्ट न देने वाले स्थान पर बैठ। प्रतितिष्ठा विहीणाम मेधा सुमनस्य माना, और वहां पर स्थित हो। प्रतितिष्ठा मतलब लंबे समय तक रहे, थोड़े से समय तक नहीं, बैठा और लंबे समय तक रहे। ब्रीहीणाम मेधा है ब्रीहियों के सारभूत जो तू है, ब्रीही से बना हुआ, सुमनस्य माना प्रसन्न होता हुआ, कैसे बैठ साथ में प्रसन्न भी होता रहे, तेरे लिए अच्छा कर रहा हूं और तू प्रसन्न रहे अच्छी तरह बैठ। आजकल कोई घरों में आते हैं तो क्या बोलते हैं, आराम से बैठो, नहीं यहां बैठो, उसके लिए कुछ कुर्सी लाएंगे, कुछ आसन लगाएंगे, उसको थोड़ा व्यवस्थित करेंगे, नहीं यहां बैठ, एक दो गद्दी वद्दी दे देंगे उसको अगर ऐसी अनुकूलता है, छोटी मोटी गद्दी आसपास में, नहीं नहीं यहां बैठो अच्छी तरह, अब आराम से बैठो, अब जम करके बात करेंगे, अब देर तक बैठो। ये जो सारी प्रक्रिया की जाती है, भावनाएं रहती हैं उसके साथ, ऐसा पुरोडाश के साथ किया जा रहा है। तो कहा इति विभागे साकांक्षम, ये जो मंत्र है ये विभाग करने पर साकांक्ष होता है, इसको भी समझेंगे, विभाग होने पर साकांक्ष है। हम अपनी दृष्टि से देखें तो इसमें कितने वाक्य हैं, कितने वाक्य हैं, एक दृष्टि हमारी यह है कि जितने क्रियापद हैं उतने वाक्य, जितने क्रियापद उतने वाक्य, क्रियावाची तिंगंत शब्द जो आते हैं तो कितने आए हैं यहां पर, स्योनम ते सदनम कृणोमी, कृणोमी यह क्रिया है, मैं कर रहा हूं कृणोमी, घृतस्य धाराया सुषेवम कल्पयामी, यह उत्तम पुरुष एक वचन कल्पयामी दूसरी क्रिया आ गई, दो वाक्य हो गए ना, दो क्रियाएं आ गई। तस्मिन सीधा, सीधा इस पर बैठो, सीध यह भी क्रियावाची शब्द हो गया, तिगंत हो गया। और प्रतितिष्ठा ब्रीहीणाम मेधा सुमनस्य मान, प्रतितिष्ठा ये एक फिर क्रिया हो गई, ठीक है उसमें बैठो। सुमनस्य मान तो क्रिया अलग से नहीं है, हालांकि चलो उसको क्रिया मानेंगे लेकिन ये सुबंत बन जाता है सुमनस्य मान। तो चार क्रियापद हमारे को यहां दिखाई दे रहे हैं, उस दृष्टि से यहां चार वाक्य हमारे को दिखने लगेंगे, एक क्रियापद एक वाक्य, लेकिन इनकी दृष्टि क्या है वो देखिए। इन्होंने कहा अब उस लक्षण को देखना आपने, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्। अब इसमें आप इसकी पहली पंक्ति को लीजिए, दूसरी को भी छोड़ दीजिए, स्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धाराया सुषेवम कल्पयामि, दो क्रियापद है लेकिन प्रयोजन यहां पर एक ही है, यहां बैठ फिर वहां पर घृत भी छिड़क रहा है, वो कुल मिलाकर के तो उसके लिए स्थान बनाया जा रहा है बैठने के लिए, प्रयोजन एक ही है यहां पर, प्रयोजन एक ही है। पहली पंक्ति में जो दो क्रियाएं दिख रही हैं उसका प्रयोजन एक ही है, और उसका प्रयोजन क्या है, सदन करणम, सदन को बनाना, नीचे बिछाया और फिर उस पर घी भी छिड़क दिया, नीचे की कह रहा हूं अभी मैं, ऊपर से भी कर देते हैं और नीचे भी लगा देते हैं बैठने से पहले, उसको रखने से पहले भी घी लगा देते हैं, चिपड़ देते हैं, चिपके नहीं वहां पर। तो ये जो सदन करण क्रिया है ये एक ही प्रयोजन है इन दोनों का, यदि भी क्रियाएं दो हैं लेकिन सदन करण रूप प्रयोजन एक ही है, तो इसमें अर्थैकत्व है, इन दोनों में अर्थैकत्व है, दो वाक्य दिख रहे हैं हमारे को लेकिन अर्थैकत्व है, और ये साकांक्ष भी हैं। अगर इनको अलग अलग कर दो, स्योनम ते सदनम कृणोमि एक कर दिया अलग, ये साकांक्ष है निराकांक्ष है, स्योनम ते सदनम कृणोमि निराकांक्ष है, तेरे लिए अच्छा घर बनाता हूं, बैठने का स्थान बना दो, अपने आप में पूर्ण है, लेकिन घृतस्य धाराया सुषेवम कल्पयामि इसको अलग कर दीजिए, ये साकांक्ष है, घृत की धारा से सुषेव कर रहा है किसको, तो कुछ समझ नहीं आई बात की क्या कर रहा है, ये पहले वाले से जुड़ा हुआ है, तो इनका अगर विभाग कर दिया जाए तो ये साकांक्ष हो रहे हैं। अर्थैकत्व क्या है दोनों का, सदन करण, और विभाग करने पर ये साकांक्ष हो रहा है दूसरा वाला वाक्य, इसलिए अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्। ये जो पहली पंक्ति है ये कुल मिला के एक वाक्य है मीमांसकों की दृष्टि से, दो वाक्य नहीं है ये, और यूं कहेंगे कि दो क्रियापद हैं तो वाक्य एक वाक्यता कर लेंगे, लेकिन एक ही वाक्य है यहां पर, प्रयोजन एक ही है, हो गया। अब दूसरा देखिए वाक्य, दूसरी पंक्ति, तस्मिन सीधा, इतना एक हो गया, तस्मिन सीधा
और अमृत तस्मिन सीधा अमृत है, यहां तक एक हो गया। प्रतितिष्ठा ब्रीहीणाम मेधा सुमनस्यमाना, अब ब्रीहीणाम प्रतितिष्ठा ब्रीहीणाम मेधा सुमनस्यमाना, ब्रीहीणाम मेधा प्रतितिष्ठा कहां बैठे ये साकांक्ष बनने, तस्मिन सीधा अमृत है उस अमृत में बैठ, तस्मिन सीधा अमृत है कौन है किसको कह रहा है बैठ, वो आगे है ब्रीहीणाम मेधा सुमनस्यमाना है ब्रीहीणाम मेध ब्रीही के। तो ये दो वाक्य दिख रहे हैं लेकिन इनकी एक वाक्य अर्थैकत्व है, अर्थैकत्व क्या है इनका, पुरोडाश का प्रतिष्ठापन, पुरोडाश प्रतिष्ठापन रूप प्रयोजन या अर्थ दोनों का एक ही है लेकिन अलग अलग करने पे साकांक्ष है, ठीक है। तो मंत्र की पहली पंक्ति में जो दो वाक्य दो क्रिया दिख रहे हैं वो अर्थैकत्व, और बाद वाले में भी अर्थैकत्व तो है लेकिन विभाग करने पर साकांक्ष है इसलिए ये दो वाक्य हैं। अब इन दो को देखिए, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को ले, पहली पंक्ति में एक और दो जुड़े हुए हैं, दूसरी पंक्ति में तीन और चार जुड़े हुए हैं, ऐसे यूं देखिए। अब इन दोनों में अर्थैकत्व नहीं है, पहले में सदनकरण प्रयोजन है और दूसरे में पुरोडाश स्थापन है, ये अर्थ की भिन्नता हो गई, अर्थ का एकत्व नहीं रहा। और साकांक्ष है या नहीं है, ये साकांक्ष है। कैसे साकांक्ष है, क्योंकि उसमें आगे लिखा तस्मिन सीधा, तस्मिन कस्मिन, ये तस्मिन शब्द बता रहा है कि ये पहले पंक्ति से जुड़ा हुआ है, साकांक्ष है ये, नहीं तो दूसरी पंक्ति का अर्थ नहीं कर सकते आप, तस्मिन का मतलब ही नहीं पता लगेगा। तो अब हमको हमारे को जो उदाहरण देखना है पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति इसका देखना है, अभी जो बीच में मैंने तोड़ के बताया था पहली पंक्ति के जो दो अलग अलग पाद थे वो अभी नहीं देखना, उसमें तो हमने अर्थैकत्व अलग ढंग से देख लिया, वो तो प्रसंग वशात मैंने आपको इसको समझाने के लिए बताया है। ये जो उदाहरण देना चाहते हैं वो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति इन दोनों के बीच में देना चाहते हैं कि यहां पर अर्थैकत्व नहीं है लेकिन साकांक्षता तो है। तो यदि सूत्र में अर्थैकत्वात् एकम वाक्य नहीं होता और केवल साकांक्षम चेत विभागे स्यात् होता तो ये दोनों एक वाक्य कहलाते हैं, दोनों पंक्तियां मिलकर के एक वाक्य होते क्योंकि साकांक्ष है, लेकिन चूंकि साथ में जोड़ दिया है अर्थैकत्व भी तो यहां साकांक्ष है भले ही लेकिन अर्थैकत्व नहीं है, इसलिए ये एक वाक्य नहीं है, दो वाक्य इस मंत्र में, ये दो वाक्य हैं। आई बात समझ में, तो देखिए पंक्तियों को, इस मंत्र के बाद में लिखा इति विभागे साकांक्षम, ये विभाग में साकांक्ष है। द्वे तु प्रयोजने क्रियते, यहां दो प्रयोजन किए जा रहे हैं, अर्थ अर्थैकत्व नहीं है। सदनकरणम पुरोडाश प्रतिष्ठापनम च, सदन को बनाना बैठने का स्थान और पुरोडाश की प्रतिष्ठापना, तस्मात भिन्न वाक्य, इसलिए ये भिन्न वाक्य है। पूर्वम सदनकरणे विनियुज्यते, पहले वाला जो वाक्य है पहली पंक्ति वो सदनकरण में प्रयोग की जाती है, ये उसका विनियोग वहां होता है, और उत्तरम पुरोडाश प्रतिष्ठापने, बाद वाली पंक्ति पुरोडाश के स्थापन में प्रयोग की जाती है, उसका विनियोग वहां पर है। तस्मात सम्यक सूत्रितम, इसलिए जो सूत्र बनाया वो ठीक तरह से बनाया है। न सूत्रोपालंभो भवति, सूत्र का उपालंब नहीं होता है, यानी सूत्र का आप उल्हाना नहीं दे सकते ये कैसे बना दिया, यानी उसका खंडन नहीं कर सकते। इति एक वाक्यत्व लक्षणाधिकरणम, एक वाक्यत्व का लक्षण और अर्थैकत्वाधिकरणम च, अर्थ के एकत्व के अधिकरण को यहां पर कहा गया। इसमें थोड़ा सा आप एक संशोधन जैसा कर लीजिए, 431 पृष्ठ पर व्याख्या, नीचे हिंदी वाली व्याख्या, इसमें ऊपर से सातवीं पंक्ति पे आइए, इसलिए बीच से, इसलिए ये भिन्न भिन्न वाक्य विभाग कर्म में विकल्प को प्राप्त होते हैं। इस पंक्ति को ध्यान से देखो और आप भी बताना कि यहां क्या करना चाहिए, इसकी संस्कृत, इनके संस्कृत भाग को देखिए। देखो तस्मात, ये जो बीच में घृतस्य धारा लिखा है ना गहरा, उसके ऊपर वाला भाग, तस्मात भिन्नम इदम वाक्यम विभागे विकल्प्यते, इसका अर्थ है ये, तस्मात भिन्नम इदम वाक्यम विभागे विकल्प्यते, इसलिए ये भिन्न भिन्न वाक्य विभाग कर्म में विकल्प को प्राप्त होते हैं। ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसका अर्थ नहीं स्पष्ट आएगा कि कह के कहना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए यहां पर, ये जो वाक्य और विभाग के बीच में रेखा डाल रखी है ना, इस रेखा को काट दीजिए।
और अब करना क्या है, वाक्य को तो बोर्ड जोड़ना है भिन्न भिन्न से, इसलिए ये भिन्न भिन्न वाक्य आगे बीच की रेखा जोड़ेंगे तो वाक्य विभाग हो जाएगा, वो अलग नहीं, इसलिए ये भिन्न भिन्न वाक्य और विभाग को जोड़िए कर्म से, विभाग कर्म में विकल्प को प्राप्त होते हैं, इसलिए ये भिन्न भिन्न वाक्य विभाग कर्म में विकल्प को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से आप एक और निकालिए 428वां पृष्ठ, इसमें नीचे जो रेखा के नीचे की हिंदी की व्याख्या है उसमें द्वितीय सूत्रार्थ जो लिखा है, यानी ऊपर से तीसरा अनुच्छेद, उसके नीचे की दो पंक्तियों पर केंद्रित होइए, इसको तीर से लीजिए। अतः सूत्रकार ने कहा है साकांक्ष होने पर विभागे करने पर, यहां विभागे तो संस्कृत में है तो हिंदी के लिए यहां विभाग और जोड़ दीजिए, विभागे मतलब विभाग करने पर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है पर स्पष्टता के लिए, एकम वाक्यम स्यात्, एक वाक्य बराबर एक यजु होवे, एक यजु की बात कही गई है। अब कह रहे अर्थात साकांक्ष होने पर विभाग, तो यहां पर साकांक्ष होने पर भी जोड़ लीजिए स्पष्टता के लिए, साकांक्ष होने पर भी विभाग करके, या विभाग करके या विभाग होने पर, उन्हें पृथक पृथक प्रयोजन के लिए पृथक पृथक वाक्य यजु स्वीकार करना चाहिए। ऊपर क्या लिखा था, एक यजु होवे, और अर्थात करके खोल रहे हैं तो पृथक पृथक वाक्य होना चाहिए, तो ये संगति नहीं है। ये जो कहना चाहते हैं वो उसका कोई अलग अर्थ है वो तो ले सकते हैं, फिर ये अर्थात नहीं आएगा, यहां पर अर्थात के कारण से गड़बड़ है। तो इसको यूं कीजिए, ये जो उन्हें लिखा हुआ है यहां पर एक कोष्ठक शुरू कीजिए, और पृथक पृथक जहां लिखा हुआ है वहां तक बंद कर दीजिए, और इतने भाग को यहां से हटा दीजिए, तो वाक्य क्या बनेगा, अर्थात साकांक्ष होने पर भी विभाग होने पर एक वाक्य यजु स्वीकार करना चाहिए। वाक्य के पहले एक जोड़ दीजिए, एक वाक्य यजु स्वीकार करना चाहिए, ऊपर की बात से यह तालमेल बनेगा। और ये जो कहना चाह रहे हैं, स्वतंत्र ढंग से इस वाक्य को देखेंगे तो ये ठीक भी हो सकता है, वो क्या है कि ये आपस में भले ही साकांक्ष हैं लेकिन उनको पृथक पृथक प्रयोजन के लिए अलग अलग ले लेते हैं, इशेत्वा अलग ले लेंगे, ऊर्जेत्वा अलग ले लेंगे, ये यद्यपि ये जो एक है मंत्र में लेकिन ये प्रयोग करते समय टुकड़े कर करके प्रयोजन के अनुसार अलग अलग ले लेते हैं, उसके लिए ये कहते हैं कि ये एक अलग यजु है, ये एक अलग यजु है, जो त्वांत वाली बात थी, इस तरह से ये लोग करते हैं, वो यहां पर आकर के घुल मिल गया है, यहां की दृष्टि से इतना हट जाना चाहिए, नहीं तो चला सकते हैं। वैसे तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम था। सहनावतु सहनोपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा